हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सूर्यदेव की नगरी में आए हैं हम, क्या कहना है? उजे केरावा जे हरे लाघावा दसे ओही पर सुगा मेरो राय उजे मारा बउरे सुगा धनुष से हे सुगा गिरे मुरझाय उजे सुगा निजे रोवे नीवियोग से हे सूरज देव होई ना सहाय छठी मैया होई ना सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपका छठ का गीत जो आपने सुनाया है, मैं दर्शकों को जरा बता दूं कि इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल औरंगाबाद की जो पहचान रही है, यहां पर भगवान सूर्य का भव्य मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है, और आपको पता है कि छठ में भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। ऐसे में आज जब हम औरंगाबाद की धरती पर पहुंचे तो दीपक ने उसी गीत के साथ, छठ के गीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। बिहार के 30 जिलों से घूमता फिरता अब मैं औरंगाबाद आ पहुंचा हूं। औरंगाबाद की जनता मेरे साथ है और जरा इनका उत्साह देखिए। तो नारे वारे भी लग रहे हैं, नारे भी लगाइएगा लेकिन अपनी बात भी रखिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे थोड़ी देर पहले सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना गया नहीं है, तो याद रखिएगा दो गज की दूरी है बहुत जरूरी, मास्क लगाइएगा, गमछा है तो गमछा नाक पे रख लीजिए, कोविड 19 के हर प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले औरंगाबाद के लिए दीपक आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? एकदम, औरंगाबाद में आए हैं तो क्या कहना है? चुनावी हवा का रुख कैसा क्या है, हम यहाँ जानने पहुँचे यहाँ है, देव सूर्य मंदिर की भूमि पहुँचे आज, औरंगाबाद है ये औरंगाबाद भैया, औरंगाबाद है ये जिला औरंगाबाद। लोग तालियां पीट रहे हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं बिहार में किस तरह की सियासी सरगर्मी है, किस तरीके से जुबानी तीर दागे जा रहे हैं, क्योंकि जहां पे मैं खड़ा हूं बिल्कुल बगल में जिला है कैमूर, योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे हुए थे और किस तरीके से उन्होंने आरजेडी पर हमला किया है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिहार के रण में अब हर किसी को उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सासाराम से चुनावी गर्जना करेंगे। लेकिन मोदी के बिहार पहुंचने से पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने कैमूर से जोरदार हुंकार भरी। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं और रामगढ़ की धरती पे आया हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध चोली दामन का संबंध है, कोई इसे दूर नहीं कर सकता, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। योगी ने अपने चुनावी भाषण की शुरुआत भगवान राम के नाम से की और अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा करती है। कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे और बिहार की जनता से किया गया वायदा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। योगी के निशाने पर कांग्रेस भी थी और आरजेडी भी। परिवारवाद के मुद्दे पर योगी ने दोनों पर शब्द बाण चलाए। राजद में चार के अलावा किसी पांचवे की फोटो कहीं दिखाई देती है क्या?
जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? बिहार में योगी की एंट्री के साथ ही चुनावी फिजा बदल गई है, लेकिन बिहार के लोगों का इस पर क्या कहना है? आज इसी को टटोलने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला बिहार के औरंगाबाद में है, तो चलिए शुरू करते हैं औरंगाबाद से वार पलटवार। और चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, आपको पता है ना कल अरवल में क्या हुआ था, गुंडागर्दी हुई थी। इसके बावजूद मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जनता के बीच खड़ा हूँ, सभी से बात करूंगा, न हम डरते हैं न झुकते हैं। तमाम चुभने वाले सवाल होंगे नेताओं से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसे अच्छा लगता है किसे बुरा लगता है। और ये देखिए जनता हमारे साथ है। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, युवा नेता हैं कुमार सौरभ सिंह। हमारे साथ यहां पर आशुतोष सिंह, कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं। जेडीयू से रामानुज सिंह जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और आरजेडी के नेता हैं सुबोध कुमार सिंह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और पहला सवाल आपसे, यही बगल में कैमूर है, आज योगी जी का यहां पर कार्यक्रम था, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम के भरोसे ही आप हैं, राम जी को क्यों ले आते हैं चुनाव में? भाई श्री राम के भरोसे पूरा विश्व है, पूरा देश है, और मुझे लगता है कि योगी जी ने नवरात्र, शारदीय नवरात्र का समय चल रहा है और भगवान विश्वामित्र की भूमि रामगढ़ से आज योगी जी ने एक आवाहन किया है। एक बार मैं सबसे चाहूंगा जोर से कहें जय श्री राम। सो ये तो बहुत अच्छी बात है, जय श्री राम हमारे आपके आराध्य हैं, लेकिन सवाल ये है कि राजनीति में क्यों? वो तो धर्म से जुड़ा मसला है ना? नहीं, योगी जी की सभा को हमने भी देखा है, योगी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में रामगढ़ जो भगवान विश्वामित्र की भूमि है वहां से उन्होंने कहा कि हम राम की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। ये बड़ा स्पष्ट उनका उद्बोधन रहा है वहां। मैं आरजेडी के नेता से इसका जवाब लेता हूं, वो कह रहे हैं कि हम सबकी बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, आप सिर्फ जाति की बात करते हैं। सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश को ये कहां ले जाने चाहते हैं ये हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है और इसका जवाब इस बिहार के चुनाव में इनको मिल जाएगा। ये राम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। भगवान श्री राम किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति का नहीं, वो सर्वमान्य चीज है, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन जब ये लोग राम का नहीं हुए तो ये लोग किसी काम का नहीं है, ये लोग केवल भगवाकरण करना चाहते हैं। और बिहार में राजनीति का एक बार फिर से भगवाकरण हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, भगवाकरण नहीं हो रहा है, सबका विकास, सबका साथ, यही है हमारे माननीय नेता का। तो राम हमारे पूर्वज हैं, हम सबके पूर्वज हैं, क्या उनका नाम लेना गुनाह है? अपने कोई घालमेल है आपको लग रहा है कि धर्म के नाम पर कुछ ध्रुवीकरण का खेल हो रहा है? हम बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ये देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जो राम नाम के शब्द को दो तरह से इस्तेमाल करती है। एक जब इस्तेमाल करती है जब चुनाव आता है, जब भी चुनाव आएगा तो ये वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, वोटों को एक जगह करने के लिए, आपसी भेदभाव को तोड़ने के लिए ये भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। मैं जनता के पास चलता हूँ, आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं इस मसले पर? आ रहा हूँ बारी बारी से सबके पास, बोलिए। राम का नाम, राम सबके हैं, ना किसी बीजेपी के, राम सबके हैं, जय श्री राम। चुनाव में जाति नहीं आना चाहिए, धर्म नहीं आना चाहिए, विकास होना चाहिए, शिक्षा के बात पर, शिक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। विकास के नाम लेते हैं, बेरोजगारी पे बोलते हैं, ये चुनाव के टाइम राम का नाम लेते हैं, जिंदा चाहते हैं। बरसों से बिहार में सिर्फ जातिगत राजनीति हो रही है, अब हम चाहते हैं कि बेरोजगारी पे बात हो। मेरा गीत है, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। ना ही हम ब्राह्मण, ना ही भूमिहार, ना ही राजपूत यादव कोई री चमार, हम बिहारी हैं भैया बढ़ का बेरोजगार, हम बिहारी हैं भैया बढ़ का बेरोजगार, जाति पाति करते यहाँ सब है कोई नेता, जाति पाति करके बन जाते हैं विजेता। क्या जाति का नाम लेकर लोग विजेता बन रहे हैं, बोलिए क्या कहना है? मेरा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार से एक पूछना है कि आपने कहा कि पहली कैबिनेट के बैठक में हम 10 लाख नौकरी देंगे,
भैया तेजस्वी जी, आप यह क्या बतलाएंगे कि उसका प्रोसीड्यूर क्या है? आपकी मेरी बात मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। आई वांट क्वेश्चन आराम से ही करो। इन्होंने छीनना शुरू किया, नहीं आपस में मत छू लगी, आपस में लड़िए। तेजस्वी की आदत है गुंडागर्दी करना। ये कह रहे हैं कि जब मैं 10 लाख की बात कर रहा हूँ तो इनको कष्ट हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष भारतीयों को नौकरी दूंगा, युवाओं को नौकरी दूंगा। आप जानते हैं, चलिए आपको भैया मुझे बोलने दीजिए, अपनी जगह पे चलिए, अपनी जगह पे जाइए ना। अरे इतना उग्र क्यों हो जाते हैं? चलिए पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए, मौका दिया जाता। सबके पास आऊंगा, इस तरीके से आपस में मत उलझिए ना आप लोग। लड़ाई झगड़ा नहीं, अपनी बात रखिए, मैं आता हूँ सबके पास। बोलिए पीछे से कुछ कहना। हाँ खड़े होइए। मेरा एक मिनट, मेरा नाम मोहम्मद जिन्ना कुरैशी है। राम पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा है, हम भी उनका एहतराम करते हैं, मगर राम के अलावा भी कोई चीज होना चाहिए। आज रोजगार की बात कीजिए, आज शिक्षा की बात कीजिए, आज स्वास्थ्य की बात कीजिए। राम पुरुषोत्तम मर्यादा है, राम का हम भी सम्मान करते हैं, पूरा विश्व सम्मान करता है, मगर राम के साथ साथ रोजी रोटी भी चाहिए। जब मुद्दा राम मंदिर का बिहार चुनाव में छिड़ ही गया है तो हम बता देना चाहते हैं, राम मंदिर पर या राम पर राजनीति क्यों न हो। लोग पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे और तारीख कब बताओगे, हमने छाती ठोककर मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताया, तो राम के नाम पर राजनीति क्यों नहीं करेंगे भैया? ये राम का नाम लेके राम के नाम पे ये पार होना चाहते हैं, सिर्फ ये बिहार के चुनाव में, समझे? ये आ चाहिए बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ रोजगार की बात करें, यहाँ पे बहुत सारा पॉलिटिशियन है बिहार में, सिर्फ सभी युवाओं को रोजगार चाहिए। मैं पुलरस पार्टी से हूँ, ओनली फॉर रोजगार। पुष्पम प्रिया जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 लाख रोजगार का जो घोषणा किए हैं वह कैसे देंगे, बताइए मुझे। मैं जवाब ले लेता हूँ। चलिए बताइए, आज दरअसल नीतीश कुमार ने भी यही कह के हमला किया कि 10 लाख रोजगार की बात जो आप लोग कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्या पैसा जेल से आएगा? नीतीश कुमार ने ये तंज किया है आप लोगों पर। बिहार में आनंद जी लगभग 10.5 लाख पद खाली है सरकारी पर। अच्छा। और शायद जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि जो वेतन भुगतान होता है कर्मचारियों का, तो हमारा जो राजस्व वसूली होता है और केंद्रांश जो होता है वो केंद्र का पैसा राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए मिलती है। और हम इनसे जब जानना चाहते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, फिर ये रोना क्यों रो के कर्मचारी को मारना चाहते हैं? रोना रो रहे हैं बताइए, डबल इंजन की सरकार में क्यों रो रही है लोग, जनता क्यों रो रही है? देखिए अभी तो सर्वप्रथम आपने गलत आंकड़ा दिया है, 10.5 लाख पद खाली नहीं है। अगर आप सब चिकित्सा शिक्षा में आप वर्गीकरण करेंगे तो कुल लगभग 3 से 3.5 लाख पद खाली हैं अभी बिहार में। पहली बात, ये आंकड़े की बात है, ये मनगढ़ंत आंकड़े देने से कुछ नहीं होगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से तो जो पद खाली है उसको भरते क्यों नहीं है? मैं उसी पे आ रहा था कि अभी बिहार सरकार ने लगातार अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां आई हैं, दिसंबर में परीक्षाएं हो रही हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि बेरोजगारी एक विषय है और उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को ये बताना चाहिए कि 10 लाख को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 से और उसमें अगर ऑन एन एवरेज 10 से आप आंकड़ों में उलझा रहे हैं मुझे लगता है, जल्दी से बताइए। ये बहुत जरूरी आंकड़ा है कि बिहार की GDP को अगर आप देखें और 10 लाख नौकरियों को आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करें, एवरेज 20,000 रुपए की सैलरी अगर आप करें तो उसका आंकड़ा एक वर्ष का क्या होगा? मैं आता हूं सर, बेरोजगारी पर कुछ कहना चाहेंगे दीपक, क्योंकि बिहार में हम लोग जहां जहां घूम रहे हैं बेरोजगारी पे जनता त्रस्त है, युवा जो है खासतौर पर। एकदम कहेंगे, देखिए 15 साल इधर 15 साल उधर, 15-15, 20-20 मैच होता है तो 15-15 साल दोनों जो खेले, बेरोजगारी उधर भी था इधर भी है, क्या कहना है? सुधार हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्या कहना है? लिट्टी चोखा बेचेंगे, व्यापार करेंगे, सोच लिए खुद से रोजगार करेंगे।
काहे की सरकार सूतल कान में रुई डाल के अजात पात राजनीति करती है खंगाल के अपक्ष और विपक्ष के झगड़ा से ऊब गए। कब तक इंतजार करेंगे और लिट्टी चोखा बेचेंगे व्यापार करेंगे। क्या बोलिए, क्या कहना चाहते? मेरा नाम प्रभात बांदुल्य है, एसएससी लेखक हूँ। जिस जगह लेखक हैं जी। अच्छा, क्या लिखते हैं आप? टीवी सीरियल कुंडली भाग्य जी, टीवी पे। टीवी सीरियल जी, कौन सा? कुंडली भाग्य जी, कुंडली भाग आपने जी। अच्छा, यहीं के रहने वाले आप जी? तो यहाँ मुंबई में रहते हैं जी। चलिए, अच्छी बात है। तो दो विषय है अभी, एक तो रोजगार का है और दूसरा एक विषय है कि लोग कह रहे हैं कि 15 साल जो पुराना हुआ, तो आप जिस जगह पे हैं, यहाँ एक कांड हुआ था उस पर मैं किताब भी लिख रहा हूँ जिसका नाम है दलीलचक बघौरा। तो वो जब कांड हुआ तो उसी पे एक व्यंग है और सवाल है नेताओं से कि एक बार अपने शासन काल पर विचार कीजिए नेताजी, तब जाकर 10 लाख रोजगार दीजिए नेताजी, कट्टा दूना ली पिस्तौल का जो राज था, अपराध के भय में डूबा पूरा समाज था। मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े करें, अभी कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है? कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है अभी? जो बीजेपी बीजेपी के जो नेता हैं वो अभी बोले कि 3.5 लाख पद खाली है। कानून व्यवस्था पहले बात कीजिए, उससे आता हूँ मैं। सर, कानून पूरा धैर्य उड़ा है प्रशासनिक विभाग का। कानून व्यवस्था का यही हाल है, कानून व्यवस्था का यही हाल है, कानून व्यवस्था का यही हाल है कि भाजपा के एमएलसी के घर में घुसकर नक्सली गोली मार दिया भाजपा के एमएलसी को। यही सरकार है, यही गिरफ्तार तेजस्वी सरकार। आप मुझको भटकाइए मत। क्या यहाँ यहाँ 3.5 लाख नौजवान नहीं है? है ना, वो 3.5 लाख जो बीजेपी वाली जो नेता बोले हैं उस पर बहाली लेने का काम था ना, नीतीश का यहाँ सरकार है तो। बोलिए, नीतीश सरकार में माइक छोड़िए, आप लोग माइक को मत छोड़िए। नीतीश सरकार में बेरोजगार मर रहा है और जहाँ तहाँ दलितों को बलात्कार हो रहा है, ऐसा सरकार नहीं चाहिए और तेजस्वी को सरकार बनना चाहिए और पंजा सब जिंदाबाद। आपका हो गया, बोलिए बोलिए। सर, जिस तरह से हम जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, भारत के जो युवा हैं और भारत की जो जनता है उसका एक सपना है कि भारत के राजनीतिक दल कब विकास की बात करेंगे, कब विकास के मुद्दे पे भारत की राजनीति को दिशा मोड़ेंगे। और अगर एक राजनीतिक दल विकास की बात कर रहा है तो उनको काउंटर विकास से करना चाहिए, ना कि धर्म और जाति से। ये बहुत ही गलत है। बोलिए, आइए बोलिए बोलिए, क्या क्या चुनाव बिहार में हो रहा है तो चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, बात शिक्षा की समस्या पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए। अभी नहीं कर रहा है बीजेपी जदयू के लोग, अभी सत्ताधारी लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई अभी बीजेपी के जो हैं प्रमोट कर रहे हैं, अभी बोले कि मात्र 3.5 लाख पद है। हम आपको बता दें कि बिहार के सिर्फ प्रारंभिक विद्यालयों में 3 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। पद रिक्त है लेकिन भरे नहीं जा रहे हैं। बोलिए, अगर आप प्रशासन व्यवस्था का बात करते हैं, अगर हम स्थानीय औरंगाबाद का सिर्फ बात करें तो 5 साल से जितने भी प्रशासन हैं वो विधायक जी और जो भी नेता लोग हैं उनके कंट्रोल के बाहर हैं। वो आम जनता को सिर्फ परेशान करते हैं। पहले जब रामाधारचा का सरकार था एक फोन जाता था, कोई भी आम जनता भी अगर रामाधारचा से सब अब नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं। बोलिए बोलिए, क्या कहना है? बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद हुआ, मैं आशुतोष जी बड़े भाई हमारे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी पिछले 5 सालों में उन्होंने शहर के लिए क्या किया? हम लोगों ने पिछले 5 साल में बहुत कुछ जिताने के लिए। मैं आता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, जल्दी बोलिए बोलिए। क्या सर, माइक मत पकड़िए। मैं बस यहाँ से आरजेडी के एक सवाल है, हमको ऐसा नेतृत्व करता नहीं चाहिए, सारा छोटका नाव तो नवी फेल है, बड़का बुद्धि बेल है, साफ लालू जेल है, कोई सा नेतृत्व करता। अरे भैया, आराम से। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम भाजपा के लोग से पूछना चाहते हैं कि 15 साल में बिहार में कितना यूनिवर्सिटी लगा और केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना बना? इस बार युवा बहुत बेरोजगार है, विकलांग है हम,
अभी तक रोजगार में पढ़ लिख के बैठा है, अभी तक विकलांग भी है, बोल रहे हैं अभी भी, रोकिए एक मिनट, अभी हम बता रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि रोजगार में रिक्ति पड़ा हुआ है, उनसे पूछा जाए कि 10 बरस जनता दिया है उनको मौका, कै गो रिक्ति दिए है बेरोजगार को, अब कै गो को सुरक्षित। देखिए, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, जनता अगर साथ दे तो बीजेपी की सरकार पुनः फिर बनेगी। सर, सवाल सवाल हो गया। हाँ, अपनी अपनी बात रखिए, किसी के पास कुछ कहने के लिए, आपके नेताजी मंच पे हैं, वो बात रखेंगे, आप लोग सवाल पूछिए, आप लोग भाषण देने लग जाते हैं ना, दिक्कत ये है। चलिए एक मिनट, मेरा ये कहना था, नीतीश कुमार जी से पूछना है कि इंडिया में शिक्षा के माध्यम शिक्षा के सर्वे में केरल राज्य जो है सबसे टॉप पे है, तो आने वाले कितने सालों में बिहार सबसे टॉप पे आएगी? और कि बिहार में रोजी रोजगार चाहिए, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए। सर, बीजेपी वाले कार्यकर्ता से हमको खाली एक बात बोलना है कि बीएसएससी जो 2014 में एग्जाम हुआ उसका और एएसआई 2020 में एग्जाम है उसका दोनों का डेट मिल गया है, वो खाली चेंज करा देवे दोनों के। ठीक है, बोलिए। पुलामा हत्याकांड का जो घटना पुलामा घटनाकांड हुआ उसका सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं बीजेपी वाले? जब रामाधार सिंह विधायक थे 10 साल तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ सोखिया में पलना पर झूला, और मेरे आनंद शंकर कोरोना महामारी में अपने परिवार को जान जोखिम करके अपने जान पे खेल आइए। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या कहना? मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है, कब तक वो पुरानी सरकार का ही मूल्यांकन करते रहेंगे? जब भी पुरानी सरकार के आधार पर ही कब तक अपने काम का मूल्यांकन कीजिएगा, तुलनात्मक तरीके से राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, तीन चीजें हैं, अगर आप कार्य का मूल्यांकन कर रहे हैं, हम अगर 15 वर्षों तक सत्ता में रहे हैं, यहाँ बात रोजगार की उठाई गई है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 15 वर्ष पूर्व कैसा भयाक्रांत बिहार हुआ करता था, और मुझे लगता है तेजस्वी जी शायद उसी अपहरण और नरसंहार के उद्योग को फिर से जागृत करना चाहते हैं। रुकना पड़ेगा, मैं आऊंगा, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, जवाब लूंगा। तो बिहार के औरंगाबाद से आप देख रहे हैं वार पलटवार लाइव। बिहार में सियासी सरगर्मी अपने उफान पर है। जब मैं औरंगाबाद पहुंचा, मैंने यहां पर क्या देखा, क्या समस्याएं हैं, मुझे शहर की अगर पूरे बात की जाए तो अलग अलग हिस्सों में जब मैं पहुंचा तो वहां पर किस तरीके के हालात थे, एक ग्राउंड जीरो से मैं आपको खास रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए अब हम औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। औरंगाबाद की क्या समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, नेताओं से भी बातचीत होगी, लेकिन औरंगाबाद की एक बड़ी पहचान है जो आप मेरे पीछे ये सूर्य मंदिर देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं, औरंगाबाद मगध साम्राज्य का एक अहम हिस्सा हुआ करता था जिसे नवरंगा भी कहा गया। ये सूर्य मंदिर बहुत प्राचीन है। आपको बता दूं कि दरअसल ये ऐसा सूर्य मंदिर है जिसका जो दरवाजा है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, वो पश्चिम की ओर खुलता है, और ये इस लिहाज से अपने आप में अनूठा मंदिर है। और मेरे साथ चूंकि दीपक ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा जो पर्व है वो छठ है। छठ में भगवान सूर्य की ही हम आराधना करते हैं, और छठ इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण क्योंकि जो न सिर्फ हम उगते हुए सूरज को तो प्रणाम करते हैं बल्कि जो अस्तांचल डूबते हुए सूर्य होते हैं उन्हें भी लोग प्रणाम करते हैं। तो कोई छठ का गीत सुनाइए। उजे मरा बौरे सुग वा धनुष से सुगा गिरे मूरझाय, उजे सुगनी जय रोवे लीबियोग से, छठी मैया होई ना सहाय, सूरज देव होई ना सहाय। बहुत खूब दीपक, और आइए सूर्य भगवान को हम लोग प्रणाम करें इस मंदिर को, और उसके बाद निकलते हैं औरंगाबाद की पड़ताल के लिए, देखते हैं यहाँ पर और क्या मुद्दे हैं, क्या मसले। आइए, वक्त में औरंगाबाद के रमेश चौक पर हूँ। आपको बता दूं कि औरंगाबाद का ये मुख्य चौराहा है, गोल चक्कर है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से जो सड़कें आती हैं यहाँ से मिलती हैं, इधर देखिए यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पर ऑटो स्टैंड है,
आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी और सांसद रहे रमेश प्रसाद, उन्हीं के नाम पर इस चौराहे का नामकरण किया गया। वैसे औरंगाबाद की मैं बात करूं तो अमूमन यहां की सड़कें मुझे ठीक नजर आई हैं बाकी शहरों की तुलना में। क्षेत्र के लोगों के लिए जो समस्या आप कह सकते हैं, ये चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर नेता इस्तेमाल करते आए हैं, नॉर्थ कोयल परियोजना, सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। तीन दशक से नेता वादा कर रहे हैं कि इसके जरिए डैम का निर्माण किया जाएगा और किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका शिलान्यास कर दिया लेकिन धरातल पर वो योजना अब तक नहीं आ पाई है। हाँ, उसके नाम पर यहाँ से कई विधायक जरूर चुन लिए गए, उन्होंने अपनी राजनीतिक किस्मत चमका ली। जी हाँ, यहाँ के लोगों की ये पुरानी मांग है, नॉर्थ कोयल परियोजना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सरकारें बदलती रहीं लेकिन आज तक इसे धरातल पर उतारा नहीं गया। मैं सभी नेताओं से जवाब लूंगा, बीजेपी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, फिर आरजेडी के नेताओं से भी जवाब लूंगा। क्या वजह रही कि किसानों की सिंचाई के लिए आप लोग अभी तक प्रबंध नहीं कर पाए? बातें बार बार हुई, शिलान्यास कई बार हो गया। देखिए, बड़े स्पष्ट रूप से इस पर कोई राजनीति न करते हुए, चूंकि ये हर घर से जुड़ा हुआ विषय है, 1976 में उत्तर कोयल परियोजना की आधारशिला रखी गई। 40 वर्षों तक इस देश में किसका राज रहा हम सब जानते हैं। पहली बार 2014 में सरकार बनने के बाद 2015 में प्रकाश जावड़ेकर, जो उस समय के वन और पर्यावरण मंत्री थे, वो उस जगह पर आए। उन्होंने वहां से जो एनवायरमेंट का जो क्लियरेंस का काम था, और हमारे आदरणीय सांसद, मेरा एक छोटा सा सवाल है, सुन तो लीजिए, आप सारे तर्क दीजिए, सारी बातें कहिए, जनता का सवाल यह है कि क्यों नहीं बन पाया, बस इतना सा सवाल है। एक लाइन में जवाब दे देता हूं। 2018 में उसका टेंडर हो चुका है, 2200 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, कार्य चल रहा है, अगले एक वर्ष में आपको कार्य दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन अब चुनाव आ गया, कांग्रेस ने लंबे वक्त तक देश में शासन किया, बिहार में भी आप लोगों ने शासन किया, क्यों नहीं बना पाया, आपको भी जवाब देना है। हम लोगों ने सबसे पहले ये जो सोच आप देख रहे हैं कोयल नॉर्थ की, वो सोच कांग्रेस पार्टी की है। और औरंगाबाद से काम थोड़ी ना होता है, सोच एक बात बताइए, नहीं नहीं मुझे बताइए, क्या हमारी आपकी सोच से किसान सिंचाई कर लेंगे खेत में, या उनके लिए उसको व्यवस्था होनी चाहिए? आप सवाल थोड़ा पूछिए, उसके बाद जवाब भी ले लीजिए, ठीक है, जवाब लेने का समय दीजिए। सोच के साथ साथ उसको जमीन पर उतारा भी कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने उतारा। उतारा सर, जमीन पर उतर के ये क्या, ये परियोजना, ये देखिए ये जनता क्या कह रही है, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? ये जो आपके हाथ में माइक है ना, ये आप ही से मोनिरेट होगा, इसको जब आप यहाँ लाइएगा तभी हम बोल पाएंगे। आप एक पार्टी के नेता हैं ना, आप झूठ थोड़ी ना बोल देंगे मंच पे खड़े होकर, आप कह रहे हैं कि धरातल पर ले आए इस परियोजना को। आप मेरी पूरी बात खत्म होने नहीं दिए, और भी क्या बोला कि हो गया, कैसे ले रहे हैं आप माइक, मत बोलिए जल्दी, ऐसा जल्दी 20 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी तो कांग्रेस पार्टी की सोच थी, कांग्रेस पार्टी ने उसको जमीन पर उतारा, ये बात अलग है कि बिहार में और झारखंड में हमारी सरकार कंटिन्यू एक साथ नहीं बन सकी, इसलिए अधर में फंस गया। इसके साथ सुन लीजिए, हो गया, आपने बहुत लंबा बोला, बहुत लंबे वक्त तक देश में शासन किया, नहीं पूरा कर पाए, तो अब इतना लंबा तर्क नहीं दे सकते। जेडीयू ने क्या किया, 15 साल आप लोग सत्ता में रहे नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं कर पाए? सबसे पहले बिहार में अराजकता था, आतंक था, जातीय हत्या था। मैं सवाल आम पूछ रहा हूँ, जवाब आप इमली दे रहे हैं। मैंने सवाल आम का पूछा, जवाब इमली का दे रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ नॉर्थ कोयल परियोजना, इसका जवाब दीजिए ना। सबसे पहले हमने सुरक्षा व्यवस्था किया, जो बिहार में आरक्षा था उसको शांत किया, शांत करके हमने काम किया। बिहार में पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और झारखंड में अर्जुन मुंजाली थे, दोनों के समझौता से ये प्रस्ताव हुआ कि इसको काम करना है। सवाल है सर, ये कांग्रेस वालों से सवाल था, बीजेपी वालों से, आपसे भी, आरजेडी से भी है, आप लोग भी 15 साल सत्ता में रहे, क्यों नहीं कर पाए? आनंद जी, बड़े हम स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि ये जो उत्तरी कोयल नहर है, औरंगाबाद का यह चुनावी मुद्दा रह गया है। तो मैं कह रहा हूं, कई विधायक बन गए इस मुद्दे के नाम पे, चुनावी बैतरणी पार कर गए लेकिन बन नहीं पाया। आपको मैं बता दूं कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गया में आए थे चुनावी सभा में, उन्होंने कहा था कि जब मगध को हम लाल पानी नहीं देंगे तो 2020 में मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन वो वोट भी मांग लिए, चुनाव भी जीत गए, लेकिन उनको याद नहीं रहा लाल पानी के किसान। आपने क्यों नहीं कर दिया सर, आपको भी तो समय मिला, 15 साल से खत्म रहे। जब हमारी बिहार में हमारी जब सरकार थी, बड़े हम ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं कि बिहार में जब हमारी सरकार थी और आदरणीय जगता बाबू जल संसाधन मंत्री थे, हमने काम शुरू करवाया,
जो भी पानी आज आ रहा है वो नहीं पाया। हर नेता का एक ही जवाब है, क्या नॉर्थ कोयल परियोजना के लिए कोई भी यहाँ पर नेता रहा हो, किसी भी पार्टी से कोई भी सरकार रही हो, क्या आप लोगों को ईमानदारी नजर आई इस मामले में? बारी बारी से बोलिए। इससे पहले जो लोकसभा चुनाव था उसके पहले यहाँ पे जो अभी परियोजना जो बन रहा था, सबसे बड़ा या डैम जो बन रहा था, उसका मोदी जी आकर वोट लेने के लिए, यहाँ का जो स्थानीय सांसद है वोट लेने के लिए सिर्फ मोदी को बुलाकर शिलान्यास करवाए। आज तक क्यों किसान पानी के लिए औरंगाबाद जिला में मर रहे हैं? सर दो शब्द, जरा सी पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ लेता हूँ समुन्द्र रूठ जाता है, 15 साल ऐश करने में आसान होता है चचा, मगर हिसाब देने में पसीना छूट जाता है। बोलिए बोलिए, अरे हो गया आपका, बोलिए बोलिए। 2005 की एक घटना है, एक पत्रकार ने लालू यादव जी से पूछा कि ये आप शिक्षा मित्र धरना पे बैठे हैं, तो लालू यादव जी ने कहा था कि ये शिक्षा मित्र कौन जानवर है। ये घटना याद करनी चाहिए शिक्षा मित्रों को। देखिए कांग्रेस के लोगों को और राजद के लोगों को दरअसल सच्चाई पता कुछ होती नहीं है। उत्तर कोयल की परियोजना पर लगातार काम चल रहा है, हमेशा आधा अधूरी बात करते हैं। दूसरी बात, इन्हें क्या आईएएस अधिकारी की वो पत्नी याद है जिनके साथ लालू ने क्या किया था? सर मानी चाहिए। इन लोग कह रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तो हम पीछे जाएंगे अगर 15 साल तो रूह कांप जाता है सोच के, तो किस अकॉर्डिंग आपको वोट दे? रेप के लिए, बेटी के शादी में गाड़ी उठवाने के लिए? एक ले लीजिए गाना कर। जात पात से ऊपर का बिहार चाहिए, बिजली सड़क शौचालय रोजगार चाहिए, बिहार में एनडीए सरकार चाहिए। 15 बरस नीतीश कुमार चाचा जी को दिए डबल इंजन का सरकार, अभी तक कोई विकास नहीं है, और जहां तक परियोजना करे किसान को धरातल पर नरेंद्र मोदी लाने के काम नहीं किए हैं। देखिए मैं किसान के परिवार से आता हूँ, अभी तक जो भी चुनावी सभा हुआ है उसमें अभी तक कोई भी न पक्ष के लोग न विपक्ष के लोग किसानों का बात को उठाया है। यहाँ पे जितने भी किसान लोग हैं इस सभा में उपस्थित, उनसे पूछ लीजिए आप कि किसान के धान का रेट 1500 रुपया क्विंटल और 300 रुपया बोलिए। इधर कुछ लोगों को बोलना, बोलिए। सर हम लोगों युवाओं को रोजगार खाली चाहिए, कोई भी नेता आते हैं युवाओं का रोजगार को हम लोग चाहिए यहाँ पे। भाजपा के सरकार जो भाजपा के जो अभी लोग हम बोलना नहीं चाहते हैं सर, मगर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके घर के बेटी आपकी आवाज ही नहीं जा पाएगी दूर घर के उनके घर के बेटी खुद आज से 10 साल पहले। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, दूरी बना के रखिए, दूरी बना के रखिए, चलिए दूर दूर चलिए। दीपक देखिए पिछलका 15 साल और ये 15 साल जोड़ के हम बोल रहे हैं, और अभी जो इलेक्शन आया उस पे बोल रहे हैं, क्या सब का रामलीला है क्या है? सुनिएगा। यही हुआ था भैया जातीय नरसंहार, लूटपाट और हत्या में भाई डूबा था बिहार, और आज का सुनिए। पर आज तक ना कॉल कारखाना हुआ जी, आ फिर से इलेक्शन का आना हुआ जी, आ सारे नेता जात पात पर वोट मांगेंगे, और क्या अब पौआ चखना और शराब बांटेंगे, नेता जी पौआ चखना और शराब बांटेंगे। तो औरंगाबाद से वार पलटवार लाइव देख रहे हैं, और चूंकि ये सियासी मौसम है, चुनावी मौसम है, तो नेताओं के आवागमन पर दीपक के गाना गुनगुनाना चाह रहे हैं फटाफट। क्या है नेताजी चुनाव जीत के क्या हो जाता है देखिए। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते, जीतते ही वो क्षेत्र से गायब हुए, अल्लाह पता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए। हर पार्टी के लिए, हर नेता के लिए तंग है, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि दरअसल
बार बार हम यहां भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना का समय है, यह कोरोना काल है, तो कोविड 19 का जो प्रोटोकॉल है उसका हमेशा पालन करना चाहिए। इस तरीके से मास्क को हमेशा लगा के रखिए या नाक पर फिर गमछे को रखिए। यही नहीं, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि यहां पर जो लोग अपनी राय रख रहे हैं उनकी व्यक्तिगत राय है, चैनल का इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये एक पब्लिक के बीच जाकर हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं और लाइव प्रोग्राम है, तो इन लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय होती है जो हम आप तक पहुंचाते हैं। मेरे पास फिलहाल अब इस कार्यक्रम में वक्त इतना ही है, कल कैमूर के दर्शकों से मुलाकात होगी रात 6:30 बजे। वार पलटवार जरूर देखिएगा लाइव कैमूर से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम नेता जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका भी धन्यवाद।